मुझे मत मारना भूख के डर से बाबा, एक झूला है जो गरीब आदमी ना आपने हाथ में क्यों उठाई? अरे माँ की चप्पल उठाने में तो जन्नत मिलती है। शेर दिल खान बोलती थी मेरे वो यतीम करके छोड़ के चला गया। वो जाना तो काफ़ी अरसे पहले ही चाहते थे, वो मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद ईदी साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त में। ये कौन फरिश्ता सिर्फ जमीन से आया है, जसद खाकी नाबीना मालूम होता है, या शायद आंखों की जगह नूर लाया है। सुना है बहुत है इब्ने आदम जमी पे, लेकिन सुना है बहुत है इब्ने आदम जमी पे, लेकिन ईद ही अकेला यतीमों के हिस्से आया है। मुझे मत मारना भूख के डर से बाबा, मुझे मत मारना भूख के डर से बाबा, एक झूला है जो गरीब आदमी ने बनाया है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे आज मैं किस जगह मौजूद हूँ। आज मौजूद हूँ मैं उस शख्सियत के घर पे जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें जीने का सलीका सिखाया। हम ईदी होम्स में हैं जनाब, और यहाँ हमारी मुलाकात होगी फैसल ईदी से, कुबरा ईदी से, जो उनकी बेटी हैं, जो उनके बेटे हैं। हम हमेशा मैं ये कहती आई हूँ कि ईदी साहब बेशक इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम सब में ईदी कहीं ज़िंदा है, और आज मैं आपको उनकी तस्वीर से मिलवाने वाली हूँ, उनके घर वालों से मिलवाने वाली हूँ, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो ईदी साहब से पहले और ईदी साहब के बाद जिंदगियों में क्या क्या चेंज आया, कहाँ कहाँ लड़खड़ाए, कहाँ तकलीफ़ हुई, ये सब कुछ जानेंगे हम तब जब हम उनसे मिलेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम, कैसी है सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू ईदी सेंटर। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, यहाँ मैंने एक बहुत ज़बरदस्त सा शो किया था, बहुत मज़ा आया था तब। उस वक्त मेरे साथ बिल्की सापा थी यहाँ, और मेरी बहन कुबरा थी यहाँ। बड़े मुश्किल से आती हैं कैमरे के आगे, लेकिन आ जाती हैं जब कभी जोर अभी भी, अभी भी है यहीं पे छुपी हुई है, छुपी हुई है। हाँ, लेंगे, कोई नहीं उन्हें। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इंटरव्यू मेरा नहीं है, कुबरा का है। और ये टीवी वाले उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब कुबरा इंटरव्यू नहीं देगी। भाई आज हम आए हैं ईदी साहब की यादों को ताज़ा कर दें, ईदी साहब की बातों को ताज़ा कर दें, और ईदी साहब की सोच को जिस तरह आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं उन बातों को। मोस्ट वेलकम, हमें खुशी है आपको यहाँ पे पाते हुए। तो चले हम इस तरफ, सफर चले इस तरफ चले जी, इस तरफ आपको लेके चलते हैं। अच्छा फिजबल, मुझे आप बताएं कि यहाँ किस एज ग्रुप की खवातीन हम यहाँ हैं इस दीदी? ये यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं तकरीबन 5 साल से लेके 15 साल तक की। अच्छा, और मैंने जब मैं लास्ट टाइम थी तब तो बड़ी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेकअप्स और मेहंदियाँ और क्या कहते हैं कढ़ाइयाँ, और बड़े मज़े मज़े की चीज़ें इन्होंने सीखी हुई होती हैं। आपने स्कूल आप आई हैं दोपहर के बाद ना, तो इनका स्कूल नहीं है, तो अब ये इनके अपने रूम्स में होती हैं, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, उनसे आपको मुलाकात कराएंगे, बल्कि कुबरा ही होगी इंशाल्लाह वही मुलाकात कराएगी आपकी। ज़रूर। और नाज़िम मैं चाहूँगी था आप ये देखें कि हाँ हम ये बिना बताए आए, कोई हमने कोई इनविटेशन नहीं हमें मिला था। सफाई के ख़ास एक ख्याल रखा जाता है, इतना बड़ा एक सेंटर है, इसको साफ रखना, इसको मैनेज करना ही अपने आप में एक मैनेजमेंट है जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ओहो लिडो खेला जा रहा है भाई, किसकी बाजी और कौन जीत रहा है बताओ, यहाँ कौन जीत रहा है? अभी खेलना शुरू किया है। अच्छा कुबरा बाजी ज़्यादा डांटती है, फैसल भाई डांटते हैं या बिल्की सापा? हाँ तो डांटता कौन है, मैं डांटती हूँ क्या यहाँ आगे हैं ये सारे? तुम बरी जमा हो गए, फिर डांट कौन रहा है?
उसका नाम बताओ, कौन डांटता है? कोई भी नहीं, तो मैं थोड़ी सी डांट पड़ती है। अच्छा जी, ये तो इंतहाई सियासी से जवाब दिए इन बच्चियों ने, ये इंशाल्लाह मुल्क का नाम बहुत रोशन करने वाली है कि यहाँ कोई नहीं डांटता है, क्योंकि यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सब ही प्यार करने वाली पर्सनालिटीज़ हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, है ना भाई? बताया आपने क्या बनाया था आज खाने में? खाने में बहुत कुछ बनाया था, रोटी भी था, पुलाव भी था, हाय हाय, लौकी गोश्त भी था और चावल भी थे, रोटी भी थी। वाह, और मेरे मुंह में पानी और पेट में गुड़बुड़ शुरू हो चुकी है इस वक्त, लेकिन मैं ये बचा के रखूँगी, मुझे बिल्कुल साहब अक्सर खाना खाना है। आइए यहाँ जनाब, यहाँ देखिए कितने मज़े की चीज़ है। पर्दे आप लोगों ने खुद बनाए? तो यार मेरे घर के लिए भी बना दो। हदोगे, मैंने इतने हसीन पर्दे अकेले अकेले टांग के फिर रहे हो। अच्छा, किसको शौक है? यहाँ कढ़ाई सिखाई जाती है या खुद बखुद तुम लोगों को आ गया? वालेकुम सलाम। अरे उनसे मिल लेना मुझे, फैजल भाई को मैं गलत ले आई, सब फैजल भाई से मिलने चले जाते, मन से कोई मिलता नहीं है। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताओ, बिल्कुल अच्छा, अब सारे बैठ जाओ यहाँ। वाह क्या हसीन कढ़ाई, और इसके ऊपर ये किसने बनाया है? सारा खुद बनाया, खुद बनाया, और कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे हैं। तो ये अपनी कमीज बना रही हूँ जी, कोई भी पहन सकता है इसको, कोई भी पहन सकता है, मतलब बनाने के बाद तुम किसी को भी दे दोगी? दिल से कह रही हो या मैं छोटा छोटा दिल हो रहा है, थोड़ा सा नहीं दूंगी, इतनी मेहनत खुद कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसा होता है कि बनाया किसी ने पहन के कोई ले उड़ा? घर में होता है ना, एक बहन कपड़े इस्त्री कर रखती है, सुबह कोई भी ले उड़ता है, तो तुम लोगों के साथ ये होता है? ये आपको इतना, आप लोगों को इतना अच्छा बनाना आता है तो आप बना के मुझे दो, मैं मार्केट में बिकवाऊंगा, फिर आप पैसे जमा करो अपनी शादी के लिए, बिजनेस अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए। सही बात है, ये देखें कितनी मज़े की कढ़ाई, मैं चाहूँगी जरा प्लीज का फोकस जरूर करें, इतनी नीट कढ़ाई है ये और इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, बाकायदा कार्टून पूरा इसका उसने वो बनाया है, ज़बरदस्त। क्या बन रहा है रात के खाने के लिए? बैंगन आलू बन रहे हैं, जबर अभी सब्जी कट रही है और साथ साथ पक पक भी रहा है, ये देख लें जनाब, आहा हा, और खुशबू फुल फैली हुई है, ये चावलों को दम लगा हा है, सादिया गलत हांडी खोल दी, ये देखें जबरदस्त सब्जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पालक आलू, वो आई फलियाँ, ओले ओले, ये क्या है? ओले कहलाते हैं ना, ओले ओले हम फली कहते हैं। अच्छा, ये तो ऐसे भी खाते हैं? हाँ, ओले ओले भी होते हैं। स्टाफ अलग से होगा जी, है ना? सब दाखिल हैं, सब बाहर के बहुत कम लोग हैं, बाहर के लोग हमें यहाँ नहीं देते, यहीं के लोग। सुबह स्कूल में कुछ टीचरें आती हैं बाहर की, और कुछ टीचरें हमारी अपनी यहाँ जो सीख गई हैं उनसे पढ़वाते हैं, और जो चीज़ें वो जो सब्जेक्ट हमारी टीचर्स नहीं पढ़ा सकती उनके लिए बाहर की आती हैं। हम इस जगह को जो है ना बाहर के लोगों से पाक रखा हुआ है। ज़बरदस्त, तभी यहाँ सारे अपने लोग हैं, अपनों की मोहब्बतें बिखरी हुई हैं जनाब। चलते ज़रा बाहर की तरफ, और अब हमारा सफ़र होगा उस घर की तरफ जहाँ ईदी साहब रहते हैं, रहते हैं, मैं हर बार इसलिए कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है वो आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। अरे फैजल भाई, जब कोई हादसा पेश आता है, बड़ा कोई हादसा होता है, तो पहला रिएक्शन आप लोग होता है, किस तरह आप लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं? आप तो पूरे मुल्क में हमारा सिस्टम फैला हुआ है, जब कोई बाकी की कॉल आती है हमें, तो हमारा जो ऑपरेटर है वो उसके पास फुल इख्तियार होता है, वायरलेस ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर के पास, उसे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी अपने ज़िम्मेदार से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस वो इन्फॉर्म करेगा अपने वायरलेस ऑपरेटर को और डायरेक्ट करना शुरू कर देगा गाड़ियों को कि फ़लाँ जगह पर पहुँचो, अगर वो कोई किसी मरीज़ को उठाने जा रहा होगा तो उसकी भी कॉल कैंसिल कर देगा, फ़लाँ जगह पर पहुँचो, वो कॉल कैंसिल कर दी हमने, तो वो सारी गाड़ियों को उस तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देगा। और बड़ा हादसा होता है तो फिर हम अपनी लोकल सर्विस जो है वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर देते हैं। अच्छा। सारी गाड़ियों को जो है वो फिर हादसे की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। सही, सही। और अब चूंकि कराची बहुत बड़ा शहर हो गया है, बिल्कुल, यहाँ पे हादसा
बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। दो वजूहत हैं, एक तो सेफ्टी को जो है वो बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रियों के अंदर, रिहायशियों के अंदर, और दूसरा आबादी बहुत गुंजान हो गई है, बहुत गुंजान आबादी। तो इस तरह के हादसात जो है वो बहुत तेज़ी से रूनुमा होने लगे हैं। और हम एक्सरसाइजेज भी अगर करते रहते हैं हम अपने स्टाफ के साथ बैठ के, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा वाकया हो 3-4 अलग अलग इलाकों के अंदर और हमें कई 100 की तादाद में ज़ख्मी है शिफ्ट करना है, तो किस तरीके से मैनेज होगा। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इस कैपेबल है, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वायरलेस ऑपरेटर्स वो इस कैपेबल हैं कि जो है वो मैनेज कर सकें एक साथ 3-4 जगहों को। तो वो आजकल पिछले दिनों डिस्कशंस हो रही थी। बीच में अभी हमारे पास एक शॉर्टेज है, अभी एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है ट्रेंड स्टाफ का। अच्छा, हम स्कूल जो है वो मैं एक लियारी में 120 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूँ, उसके साथ जो है वो मिडवाइफ एंड नर्सिंग स्कूल है, सही। साथ में उनकी पैरामेडिक्स की भी ट्रेनिंग होगी, सही। तो पैरामेडिक्स की जो हमारे एम्बुलेंस से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी जो है वो जो कोर्स यूरोप में 5 दिन का या 1 हफ्ते का कोर्स है, हम यहाँ पे वही कोर्स पढ़वाएंगे, लेकिन 5 दिन की बजाय यहाँ पे हम 15 दिन का पढ़ाएंगे, ताकि रियल डिटेल में पढ़ सकें। डिटेल से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल इनका हो, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो जाए। सिलाना तो एक इंतहाई ऐसा पेचीदा काम कि आपको पता हो कि मरीज पीछे है। शुरू में ये हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं ना, नए ड्राइवर्स जो हम अपॉइंट करते हैं उनको जब ट्रेन करते हैं तो उनको 50 मरीजों की जो ट्रिप होती है सीनियर ड्राइवर के साथ बिठा के करवाते हैं। अच्छा। ताकि वो मेंटली तौर पे और फिजिकली दोनों तौर पे तरीके जो ना दोनों तरीकों से तैयार हो जाए। तैयार रहे। ये है आलू और गोश्त और पालक और बहुत मजे का खाना और टमाटर की चटनी। सबसे ज्यादा ये पसंद है, लेकिन मुझे ये क्या है अम्मा? झींगा। झींगा मेरे को मना है, डॉक्टर ने मना किया। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं ईदी साहब की फैमिली के साथ। हमने बहुत सारी ऐसी बातें की जो शायद अब तक और बहुत सारे शोज़ में नहीं हुई हो, बहुत सारी बातें जो फैसल भाई ने खुल के नहीं बोली होंगी किसी और शो में, शायद इस शो में आपने सुना होगा। लेकिन अब जिनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ, वो कहते हैं ना किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ईदी साहब ने हमेशा कहा कि बिल्किस ना होती तो शायद मैं बहुत अधूरा होता। जी हाँ, मेरे साथ अब मौजूद होंगी। अच्छा, मज़े की बात है, हम सभी ने अम्मी कहते हैं, हम सभी ने माँ कहते हैं। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मुझे अब एहसास नहीं होता कि मेरी माँ नहीं है, क्योंकि जब जब मैं इनको देखती वो मेरी माँ जैसी ही मुझे लगती है। आपको मिलवाती हूँ बिल्किस ईदी से। आइए। कभी भी कारवां नहीं रुकता, और ये कारवां नहीं रुका और रुकेगा भी नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और हम इसे रुकने भी नहीं देंगे। नहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि हम सब चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, वो ईदी साहब से और ईदी साहब की पूरी फैमिली से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि ये कारवां रुके। जितनी खूबसूरती से, जितने प्यार से इंसानियत की खिदमत आप लोग करते आए हैं, शायद ही बहुत कम ये मिसालें मिलती हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगी बिल्किस साहब कि लोगों के रवैयों में ईदी साहब के बाद कभी कोई चेंज आपने पाया? नहीं, कभी भी कोई कमी कोई चेंज नहीं। हाँ, थोड़ा सा फैसल घबरा गया था कि थोड़ा चंदा कम आया, तो मैं बोली बेटा तेरे अबू कहते थे मैं मर जाऊँगा तो चंदा कम आएगा, तुम घबराना नहीं। तो ये काम अल्लाह पाक का है, अल्लाह का है, हमारा नहीं है, वो खुद इसमें बरकत डालेगा। वाह। मुझे बताते थे मैं मर जाऊँगा तो चंदा भी कम हो जाएगा, और हसदखोर लोग भी निकल आएंगे बहुत सारे अच्छाई बुराई करने। तो फिर क्या ऐसी शक्लें आपको दिखी जिनकी हसद दिखी, जिन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी और उन वो हम लोग हैं ना, कभी टीवी का सहारा नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिया, कोई भी काम किया करके आ गए, ना कैमरा हाथ में है ना ये मोबाइल हाथ में है, और लोग लाखों रुपए दे के एडवर्टाइज कराते हैं, तो मैं बोलती हूँ हाजी तू भी करो। अच्छा, कहते थे कि ना मुझे एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं, अपना काम अपनी एडवर्टाइज है, और अपोजिशन का होना ज़रूरी है तभी तो काम बेहतर होता है। अपोजिशन नहीं करेंगे ना हम उनका मुकाबला करने नहीं जाएंगे, अल्लाह पे छोड़ दे, और है ना अल्लाह पे यकीन रख बस। हम सब ये नहीं कह सकते ना कि इंसानियत की खिदमत की है,
वो शख्स था जिसको जानवरों की भी फिक्र थी, जिसको इंसानों की भी फिक्र थी, मतलब उस फैमिली की ये सोच है कि जू के शेर की फिक्र है कि वो शेर भूखा है। चल नहीं सकते थे और उसके लिए ईदी होम से गोश्त जा रहा है, यहाँ से जाता है, और दो दफा तो देख के आया पीछे दरवाजे से, वो तो चल रहे थे, यानी खाना पीना मिल जाए, हाँ चेक करके आया, मतलब नजर भी रखते हैं पूरी, हाँ। कि जो काम जो नेकी हमने शुरू किए वो कहीं अधूरी तो नहीं रह गई। हमारा नवासा 9 साल का है माशाल्लाह, यहाँ से अभी बाहर मुल्क गया है, तो दूसरे स्कूल में वहाँ दाखिल हुआ, यहाँ भी पढ़ता था, तो स्कूल में जाके 2-4 दिन तो परेशान होता है बच्चा, पाकिस्तान से अमेरिका चला जाए, सही। तो नवासा बोलता है मिस को कि यहाँ सबके झंडे लगे हुए हैं, इंग्लिश में बोलता है, हाँ। तो वेयर इज माई फ्लैग, ओह माय गॉड, छोटा सा बच्चा, हाँ। बोल रहा है ना उसके अंदर, हाँ। ईदी की सोच, ईदी की सोच है, मुल्क से मोहब्बत है, जमीन की खुशबू को ढूंढ रहा है, तो वेयर इज माई फ्लैग, और बोलता है वेयर माई फ्लैग, उसने मिस ने इतना प्यार किया और बच्चे का फ्लैग दूसरे दिन लग भी गया। ये होते हैं कि मतलब कोई बड़ा काम नहीं करना, अगर आपने अपने मुल्क का झंडा रोशन करना है, कहीं लगाना है, मुल्क के झंडे को गाड़ना है, तो सिर्फ कभी कभी मासूमियत से कहे हुए जुमले उससे भी अगलों को एहसास हो जाता है। नहीं, औरत ने बहुत प्यार किया टीचर ने, और मैं बोली कि गुस्सा करेगी शायद ऐसा बोला होगा, तो बोले नहीं बहुत प्यार किया, और किसी में निकाल हमारा दिखाया फ्लैग और दूसरे दिन लग गया था। अच्छा, आप अभी जब BHA कॉलेज गई थी, स्कूल गई थी, वहाँ आपने क्या देखा था जो आप उधर इतना बड़ा टीवी लगा हुआ था ना, हाँ। तो अखबार की कटिंग आ रही है, तो किसने ये बोला है, वो थोड़ा उर्दू में समझा रहे थे, बाकी तो जली जाती थी, हाँ। ना बोले पूरी दुनिया के अखबारों ने इनके लिए रोया है, लेकिन वो हम सब में जिंदा है और जिंदा रहेंगे और हम उन्हें जिंदा रखेंगे इसी मुस्कुराहट के साथ, इंशाल्लाह। अम्मा चलो ना, मुझे खाना कब खिलाओ, खा लो। और यहाँ रखी है खिचड़ी, ये है आलू और गोश्त और पालक और बहुत मज़े के खाना और टमाटर की चटनी, मेरी फेवरेट। मेरे सबसे ज़्यादा ये पसंद है, लेकिन मुझे ये क्या है अम्मा? झींगा। झींगा मेरे को मना है, डॉक्टर ने मना किया। बस ये वाली चीज़, ये आप समझिए यहाँ है ही नहीं रखी हुई, ये हमने छुपा दी है। अच्छा, आपका वैसे फेवरेट खाना कौन सा? दाल चावल। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। दीदी साहब को भी दाल चावल बहुत पसंद है? इडली सब भी खाते थे, लेकिन इनको पानी वाला ये रस, शोरबे वाली चीजें ज्यादा, रोटियां भिगा के खाते, रोटी वो डुबो डुबो, सुबह चाय में रोटी भिगा के खाते थे हमेशा ये, और चाय पीते, चाय भी कम दूध में कराते थे हम, यानी जो थोड़ी सी इतनी सी पत्ती डाल देते थे ताकि उसमें थोड़ा सा रंग आ जाए, फिर रोटी इसमें तोड़ के भिगा के फिर इनको चूरी बना के देते थे, हमेशा इनकी आदत थी। दूध चाय कभी पीते नहीं थे, किसी के घर जाएंगे ना चाय नहीं पी सकते थे, और ना सिगरेट नहीं, पान नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं मुल्के साहब, आप बता रहे थे कि आप लोग बाई रोड यहाँ से हज करने गए थे। हाँ, गए यहाँ से नीचे से, तभी तो बाई रोड, यानी यूसुफ प्लाजा में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे उधर खाली जंगल था, मतलब ये कोई तकरीबन 13,000-14,000 की बात है, ये 72 की बात है, 14,000 और एम्बुलेंस में आप गई थी, एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस भी 13 साल पुरानी, नया सिर्फ नया इंजन लगाया हाई जी साहब ने, हाँ। और रबड़ थे ना, वो रबड़ उसमें से ऐसी प्यारी प्यारी बर्फबारी की हवा आती थी हम लोग में ना 14 साल पुरानी गाड़ी में गए थे, 14 साल पुरानी, और हम लोग भी सोचे 14 साल पुरानी गाड़ी, तो उन्होंने समझ लिया ना, इन्होंने समझा इंजन अपने को धोखा दे। अच्छा, तो फिर ईरान गए, इराक गए, फिर वहाँ से ट्रैवल करते हुए सऊदीया तक पहुँचे। नहीं, ईरान में 8 दिन बर्फबारी में गाड़ी चलाई, इतनी बर्फबारी में, और है ना इदी साहब ने उनको तो निकाल दिया था, डॉक्टर को, कंपाउंडर को, सिगरेट पीते थे ना, हमको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। फिर क्या हुआ, हम वहाँ 22 दिन में पहुँचे। अच्छा, ये मुझे बताया कि आपने बताया कि आपने अभी अमेरिका में भी जगह ली है कब्रिस्तान की। अमेरिका में ये जब अमेरिका में हम लोग हैं ना, हमारा फ्यूनरल होम नहीं खोल सकते हैं। अच्छा, अपने इलाके में अपने, हाँ। इलाके की मर्जी के अलावा, यहाँ तो गोश्त वाला भी बेचारा आके बैठ जाता है, गोश्त काटता है। बिल्कुल सही जी जनाब। अब जरा यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, और फैसल भाई के साथ और ईदी साहब का जो कमरा था, कुछ यादें वहाँ ताज़ा करते हैं। चले, मेदी साहब को रोज सर चूड़ती थी,
और मैं जाऊँ ना तो ये मेरे को अपना हाथ देता था, बोलता था तेरा हाथ इसमें रख तो मैं बंद करूँ। आखिरी दिन नहीं किया, ऐसे हाथ रखते थे, ऐसे हाथ रखते थे, फिर मेरे हाथ को बंद कर लेते थे ऐसे कर। हाँ, आखिरी दिन नहीं किया, आखिरी दिन नहीं किया। स्टाफ को जाके पूछो, 100 का स्टाफ होगा, इनको जाके पूछो, उन्होंने मेरा नाम लैला, इसका नाम मजनू रखा था। बोले लैला मजनू है, मैं नहीं जाती थी तो उदास हो जाते थे, मैं जाऊँ तो खुश। वो यतीम करके छोड़ के चला गया। वो तो बहुत सारों को यतीम करके छोड़ के चले। मेरा तो बाप मैंने देखा नहीं है, मेरा शोहर था शेर, शेर खान बोलती थी, शेर दिल खान बोलती थी। यहाँ पे आता था कोई ड्रामा, मेरा सुल्तान, मैं बोली ये मेरा सुल्तान है। आखिर में मैंने इसका नाम मेरा सुल्तान रखा था। फिर की साफा के सुल्तान आज भी उनके साथ हैं, हमारे साथ हैं और हम सब में हैं। कोई पैदा नहीं हो सकता ब्रेक के बाद, मेरा सुल्तान जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। माफ़ कर दो, दरगुजर करो, माफ़ कर दो, दरगुजर करो, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। कौन है आप लोग भाई, अलग से इस दुनिया में आए, अब तो हम फरिश्ता ढूंढने निकले थे, हम फरिश्तों में पहुंच आए। लड़कियों मेरे चप्पल कहाँ है? बल्कि मैं एक नाज़रीन वापस आ गई, जब तक हम इनकी चप्पलें ढूंढते हैं और इनको नीचे लेके जाते हैं। हाँ जाती हूँ, बिल्कुल चप्पल ले लो। एक सेकेंड, मैं अब आपकी चप्पलें, मैं एक फ्रोजी वाली है ना, रुके मैं लेकर आ रही हूँ। ले लो कोई भी होगी। हाँ ये रही, मैं लेकर आ रही हूँ, आप रुकिएगा ना। आपने हाथ में क्यों उठाई? अरे माँ की चप्पल उठाने में तो जन्नत मिलती है। अच्छा जी, तो आप यहाँ क्या? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शमीम है, मैं 17 साल से यहाँ काम करती हूँ जी, लेबल रूम में। और बल्किस मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमारी माँ को से भी आए हैं जी। अच्छा आप यहाँ कैसे आई थी? बस लातों ने थोड़ा मेरे शोर का काम टूट गया था, फिर उनको मैंने बोला मैं आपका साथ दूँगी, तो बोला ठीक है। जिसे हम दोनों मियाँ बीवी लाल के कदम से कदम उठा रहे हैं, चल के माशाल्लाह, आज अल्लाह का शुक्र है मेरे माशाल्लाह। और इतने नेक काम में आप साथ भी दे रही हूँ उनका। पांच बेटे हैं, एक बेटी है। वो सब यहीं होते हैं? नहीं घर पे होते हैं अभी जी, पहले छोटे थे, अब माशाल्लाह जवान हो गए हैं। कैसे आना हुआ था यहाँ पर? मेरे क्या कहते हैं शौक की आमदनी कम थी, और फिर मैंने के चलो इनका साथ दूँ, फिर मैं यहाँ जॉब के लिए, फिर मम्मी ने बहुत सारा मैं बहुत समझाया सिखाया। पहले हम लोग इतने होशियार नहीं थे, मगर यहाँ पे आके होशियार हुए, पता ही नहीं था कि दुनिया कहाँ पे है। और तो यहाँ तो क्या करती हैं काम? हम लोग नर्सिंग में मिडवाइफ का काम करते हैं, लेबर रूम में होते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ बकायदा एक हॉस्पिटल है, बकायदा एक अपना ही इंटरनल ओपीडी होती है। क्या कहते हैं हमारी डॉक्टर आती है, वो सारी मतलब पूरा उनका लिखती है कि। और फिर उसके बाद उन्होंने सारे कोर्सेज भी आप लोगों को करवाए होंगे साथ साथ, ताकि एजुकेट कर सकें। यहाँ पे जबरदस्त चाय के लिए पीने के रास्ते इधर दो है ना। देखें मेरी चाय आई और मैं चाय ना पी, ये हो नहीं सकता जनाब। अम्मी आप चाय पियेंगी? मीठी होगी ना? मीठी होगी। अम्मी की चाय फीकी वाली आई, वैसे तो फीकी मैं भी पीती हूँ, लेकिन आज चलेगी पठान की तगड़ी चाय, कड़क ना बेटी, पियो ना। मजे की है। उनके साथ इतनी मसरूफ जिंदगी में घूमने फिरने कहीं लेके जाते थे या नहीं लेके जाते थे, या कहते थे बस यही घूमना फिरना हो गया तुम्हारा? नहीं, कोई मर जाता था या कोई मरीज होता था जिसको दूसरे गांव में छोड़ना होता था, तो फिर मेरे बच्चे में सब गाड़ी में बैठ जाते थे ना। हाँ। और फिर वापसी में जब मैया छोड़ दें या मरीज छोड़ दें ना, तो रास्ते में ट्यूबवेल आते थे। सही गिरोनिया बेटा, तो ट्यूबवेल आते थे ना नीचे, तो हम ट्यूबवेल में जाके दो दो घंटा खेलते थे। और जहाँ पे झुग्गी होती थी ना, उनको 100 रुपया देते थे।
₹100 में रोटियां, पराठे, मुर्गी, लस्सी और मक्खन और चारपाई और पंखा। अच्छा, हमको इतनी चीज़ें मिलती थी और उनके खेत अलग तोड़ डालते थे हम। पहले जब आती थी तो पहले यहाँ जब होते थे तो आवाज़ देते थे आपको गुजरते में यहाँ से? अरे मुँह सूखता था, हाजियाणी मुझे किराए मुझी हाजियाणी किराए मुझे किस हाजियाणी किराए। लड़ाई में करती थी, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं करे, कभी गाली नहीं दिए, गुस्सा नहीं किए। कितने साबिर थे? नहीं, अब इनकी आदत ही मेरे को आपसे बात करते थे, इतने थे बच्चों से आपसे बात करते थे, इनसे आपसे बात करते थे। अच्छा, तो कभी आपने कोई फरमाइश? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक। फैसल भाई, अम्मी सब ने बहुत मज़े मज़े की बातें की, पुरानी यादें, हम 72 के हज को भी सुनकर आए इनसे, हमने इनसे हम हंसे भी, हम रोए भी। आप लोगों ने इस वक्त को जितना करीब से अपने बाप के साथ गुजारा है, वो शायद ही हमें से कोई उसको महसूस कर सकता हो। सबसे ज़्यादा जो मिसिंग चीज़ है वो इस वक्त क्या लगती है उनके बाद, कि वो होते तो और क्या होता? सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ हमारे लिए तो यही सब खुद है। वो तो हम सब के लिए, पूरे मुल्क या पूरी, मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ उन सब के लिए एक मिसिंग पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा है ईदी साहब। उनकी गैर मौजूदगी में हमारे हमें ये काम करना पड़ा है, हमें बहुत ही जो है अजीब सा लगता है। और हमारी इनकी इतनी जो है वो हम जुड़े हुए थे ज़हनी तौर पे, कि उनके जाने के बाद जो है हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल ही अकेले हो गए। बचपन में मुझे याद है पूरी फैमिली एक दफ़ा ईदी साहब ने ठट्ठा सेंटर का जो है वो शुरू किया। ये मिड 80s की बात कर रहा हूँ, 84-85 की मेरी उम्र होगी उस वक्त, 83-82 की बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरी उम्र होगी 6-7 साल। तो एम्बुलेंस में बैठ के पूरी फैमिली हम गए थे ठट्ठा सेंटर को देखने के लिए। वो गली भी मुझे याद है, मार्केट भी मुझे याद है, किराए के दुकान ली थी और ठट्ठा सेंटर उन्होंने शुरू किया था। तो बहुत छोटा था, मुझे वो गली दुकान याद है बस, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। ठट्ठा जाते हुए मुझे याद है, और फिर वहाँ पे मकली वगैरह जो कब्रिस्तान है वहाँ पे विजिट, वो एक घूमने की भी जगह है, की जगह है बिल्कुल। वहाँ पर फिर ये लोग हम बच्चे वगैरह और सब घूमने के लिए। लड़कियाँ मार खा के आती हैं, औरतें मार खा के आती हैं, मोबाइल के पीछे लगी हुई हैं, कभी मियाँ के पीछे लगी हुई हैं, कभी चौकीदारी के पीछे लगी हुई है। लेकिन मैंने इन मासूम बच्चों को कभी भी इनके बाप के बारे में नेगेटिव सोच नहीं दी। और वो मेरी माँ इनको इतना प्यार से रखती थी, मेरी माँ इसको तो पराठा बना के देती ही थी, बेटा चल तेरे लिए पराठा बना लिया है। और मैं वाकई में अकेली थी इसलिए बहुत मैं फ़ायदे में रही। मेरी माँ का काम, मेरी माँ ने अपना इन मेरे बच्चों को, मासूमों को संभाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, बच्चे भी पैदा हुए, सब कुछ मेरी माँ ने किया। और मैं और मेरा घर, मैं एक पाँव इधर रखती थी एक उधर रखती थी, यानी कश्ती के दो कश्ती में सवार, दो कश्तियों के में सवार थी। लेकिन मैंने हम लोग कभी बच्चों, मेरी नानी जब रोटियां पकाती थी ना तो छोटा सा मतलब वो जो लोई पेड़ा रह जाता पेड़ा, तो उसमें छोटी रोटी बना के देती थी। छोटी रोटी जो है ना वो फिर लड़ते थे, मेरी बहन लड़ती या मैं लड़ता, तो मैं जो है ना हमेशा छोटी रोटी अपने पास रखता था कि नहीं मैं छोटा हूँ मैं छोटी रोटी रखूंगा। और वो छोटी रोटी फिर मेरे लिए नानी छुपा के रखती थी हमेशा, फैसल तेरे लिए छोटी रोटी जो है ना फलाद रोटी के नीचे छुपा के। अभी अब मैं फैसल भाई को लेके एक ऑफिस में जा रही हूँ जो ईदी साहब का ऑफिस है। यहाँ आपसे इजाज़त की तो आपको तंग नहीं करूँगी, मुझे पता आज आपकी तबीयत सही नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको भी। चलिए जनाब, आपके एक ऑफिस में लेके चलते हैं। कहते हैं कि बाप के बाद जो बेटा होता है वो काम को आगे बढ़ाता है। चलिए चल के देखते हैं और पूछते हैं कहाँ कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ आसानियाँ पैदा हो रही हैं। आइए, ईदी साहब ने जितनी दुनिया की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश रखी कि मैं अपनी आंखें डोनेट कर रहा हूँ, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? मुझे खुशी थी, मुझे खुशी थी। उन्होंने सिर्फ आंखों की बात नहीं की थी, उन्होंने तो पूरी बॉडी की बात की थी। और कोई भी आज़ा अगर किसी के काम आ सकता है तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल दे देना। और बॉडी के लिए तो मैंने ईदी साहब की मुखालफत की कि नहीं ईदी साहब बॉडी, उन्होंने कहा भले मेडिकल के स्टूडेंट सीख लेंगे ना, कुछ अच्छा इलाज करेंगे।
तो अच्छा इलाज करेंगे, हमारे अपने बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट हैं, हम अपनी बॉडियां अगर नहीं देंगे तो हम कब तक जो है वो इस तरह परेशानियों से हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं, उनको बॉडियां नहीं मिलती हैं और जो है वो जो कुछ भी आता है तो गैर मुस्लिमों के यहाँ से आता है। तो किसी ने तो पहला कदम उठाना है ना। हाँ, तो मैंने एजी साहब ने कहा, मैंने एजी साहब को कहा कि ठीक है जो हो सकेगा हम करेंगे। जिस दिन आखिरी जो दिन इनका गुजरा ना, तो मैंने डॉक्टर अदीब रिजवी साहब से, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी क्योंकि अदीब साहब उस वक्त जिंदा थे और हमें अंदाज़ा हो गया था, मेरी तो उम्मीद थी लेकिन डॉक्टर्स जो है वो मुझे बता नहीं रहे थे। फिर मेरे कज़न एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इदरीस एदी, आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, सिविल में प्रोफेसर भी थे, उनको जो है वो अदीब साहब ने बुला लिया और उन्होंने जो है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया कि मुमकिन है कि एदी साहब आज वापस नहीं आ सकें। तो शाम का वक्त था, दोपहर का वक्त था, मैंने कहा नहीं 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 छोड़ के जाएंगे, एदी साहब ने मेरे से वादा किया वो मेरा साथ देंगे कुछ अर्से तक। फिर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे कहा कि फैसल, वो सब डॉक्टर्स जमा होना शुरू हो गए थे वहाँ पे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद एदी साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त ना। और वो जाना तो काफ़ी अर्से पहले ही चाहते थे, वो पिछले एक पहले रमज़ान में इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने कहा फैसल मुझे जाने तो ज़बरदस्ती नहीं करो। मैंने कहा नहीं एदी साहब आपकी ज़रूरत है, इधर को ज़रूरत है, कहते चलो ठीक। फिर वो डायलिसिस कराने चले जाते थे ना, तो वो डायलिसिस के लिए भी राजी नहीं थे, कहते थे जाने दो बस सब बहुत हो गया, अल्लाह ने जितना मेरे से काम लेना था वो ले लिया, अब जो है वो अब आपकी बारी है। और इसके कौन है आप लोग भाई, अलग से इस दुनिया में आए, अब तो हम फरिश्ता ढूंढने निकले थे, हम फरिश्तों में पहुंच आए। उनको फिक्र है, उनको इंसानों की बस फिक्र थी, जो तकलीफ़ में है उनकी फिक्र होती थी कि किस तरीके से इनकी तकलीफ़ कम की जाए। और आज भी पाकिस्तान के अंदर 20 लाख अफराद मौजूद हैं जिनको आँखों की ज़रूरत है और उनको गैर मुस्लिम जो है मुल्कों से आँखें आँखें लगती हैं, बिल्कुल डोनेट होती हैं आँखें। श्रीलंका से सबसे दुनिया को सबसे ज़्यादा आँखें देने वाला मुल्क जो है वो श्रीलंका है, और मैं तुम सलूट करता हूँ श्रीलंकन आवाम को, उनके लोगों को और उनकी सोच को, उनकी सोच को कि लोगों मरने के बाद भी वो लोगों की खिदमत करते हैं। तो ईदी साहब ने हमें वो सबक सिखाते हैं कि हम भी जो है वो मरने के बाद दे सकते हैं। और ये आँख कोई अगर किसी को लग जाएगी तो कोई भगवान की या किसी और मजहब की नहीं हो जाएगी, वो भी अल्लाह के दिए हुए इंसान अल्लाह के बनाए हुए इंसान की होगी, और जब इंसान कब्र में जाएगा तो उस वक्त भी वो भी जमीन का हिस्सा बन जाएगी और हर किसी को जमीन का हिस्सा बन। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, यहाँ आपकी बात को बढ़ाते हुए अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगी। जनाब, इस मुल्क में 20 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके पास नज़र नहीं है, आँख नहीं है, वो देख नहीं सकते, और रोज़ मरने वाले ऐसे लोग हैं जो मर जाते हैं और हम उन्हें दफना के वापस आ जाते हैं। क्या हमारे पास इतने बड़ा दिल नहीं या इतनी बड़ी सोच नहीं कि हम अपनों के लिए काम आ सकें? ये एक वो सबसे बड़ी सोच थी जो आखिरी वक्त में कील ठोक के गए थे एदी साहब, कि जाते जाते ये पैगाम भी दे दो कि अगर दे दोगे अपना कोई हिस्सा तो उसमें तुम्हें कोई कमी नहीं आएगी, हाँ हो सकता है किसी और की कमी को तुम पूरा कर जाओ। तो आइए आज मैं और आप क्यों ना सोचें इस बात के लिए, मैंने तो अपनी आँखें डोनेट की हुई हैं, जी हाँ आप भी कीजिए, और आखिर क्यों अगर कुछ और भी किसी के काम आ सकता है तो ज़रूर है। बढ़िए, इस कदम को आगे बढ़ाइए, उनकी सोच को आगे लेके चलिए। जनाब इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे नई शख्सियत, नई पर्सनालिटी, नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।